बरेली नगर निगम वार्ड नंबर 47 किला छावनी से पार्षद नथू लाल राठौर ने अपने कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों की जानकारी देते हुए बताया। मैं नथू लाल राठौर, पार्षद वार्ड 47 किला छावनी बरेली। राठौर साहब, आप पहली बार क्षेत्र में पार्षद चुने गए और पहली बार कार्यकाल का 4.5 साल का समय गुजर चुका है आपका, तो हम ये जानना चाहेंगे कितने प्रतिशत विकास कार्य आपके कार्यकाल में हो चुके हैं। मेरे यहाँ रोड के कार्य जो हैं करीब करीब 65% हो चुके हैं। राठौर साहब, कुछ रोड ऐसे भी थे आपके यहाँ जो कि बहुत जरूरी थे, वो कौन कौन से रोड थे? वो एक रोड जो है होली वाले चौराहे से लेकर के मस्जिद होते हुए, पार्षद आवास होते हुए लाल मठिया तक का रोड निर्माण। इसके अलावा तो कई जगह ऐसी थी जहाँ पर रोड नाम की कोई चीज ही नहीं थी, क्या उन पर भी कार्य हो चुका है? अधिकतर कुछ परसेंट रह गए हैं और वो भी उम्मीद है कि अगर चुनाव से पहले पहले हो जाएंगे। राठौर साहब, आपके कार्यकाल में पेयजल व्यवस्था किस स्तर की है? पेयजल व्यवस्था अच्छी है भाई, कभी कभी तो जब टूट फूट वगैरह काम हो जाता है तब तो समय लग जाता है, वरना पानी की व्यवस्था सही है। आपके माध्यम से कितने लोगों को फ्री जल का कनेक्शन? 285 कनेक्शन फ्री दिए हैं। आपके स्ट्रीट लाइट और सफाई की व्यवस्था कैसी है? स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। राठौर साहब, सफाई व्यवस्था की क्या स्थिति है आपके वार्ड में? सफाई व्यवस्था की तो शायद मेरे ख्याल से बरेली भर में कोई पूरी रूप से नहीं हो पा रही होगी। जहाँ ठेके में दे दिए गए होंगे, प्राइवेट दे दिए गए होंगे ठेके, वहीं सफाई अधिक मात्रा में होती है। मेरे यहाँ पर अरखनाथ, तुलसी स्थल, नीलगंठ कॉलोनी और बारादरी, किला छावनी, जागृति नगर, ये हिस्से हैं। यहाँ पर केवल मात्र 15 कर्मचारी हैं, जिसमें 7 महिलाएँ हैं, महिला ज़्यादा हैं, गलत कह गया है, सिर्फ 7 महिलाएं और 6 पुरुष हैं। तो इसमें सफाई व्यवस्था होना, दुरुस्त होना असंभव सी बात है, लेकिन पूरा प्रयास करते हैं करने का। और इस समय जो कार्य चल रहा है कि कर्मचारियों को से काम बहुत लिया जा रहा है, क्योंकि उसके बावजूद भी सफाई व्यवस्था अभी पूर्ण रूप से दुरुस्त नहीं है। राठौर साहब, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जन कल्याण और जनहित की योजनाएं, जैसे कि उज्ज्वला गैस योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके अलावा लगभग एक दर्जन ऐसी योजनाएं हैं जिनका सीधा जनता को लाभ मिलना चाहिए, आपके माध्यम से कितने प्रतिशत लोगों को इनका लाभ मिला है? ये तो मैं मतलब गैस भी बहुत लोगों को दिलाई है, मैं बेहरा उड़ा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से शायद अगर काफ़ी हद तक मतलब गैस कनेक्शन फ्री वाले कराए हैं। आयुष्मान कार्ड कितने लोगों के आपके क्षेत्र में? आयुष्मान के जितने भी बने हैं, पहले जो लिस्ट आई है 2014 की, शायद 11 की ऐसी, उसके आधार से जितने भी थे सब बन चुके, लेकिन अभी नया कोई भी नहीं बन पाया है। प्रधानमंत्री आवास कितने लोगों को आपके माध्यम से मिल चुके हैं? मेरे माध्यम से तो मैं 6-7 मिले हैं। आपके शिक्षा की व्यवस्था क्या है राठौर साहब? शिक्षा की व्यवस्था तो साहब यहाँ पर प्रयास हमारा है कि यहाँ पर हम कुछ सुविधा के लिए स्कूल बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, जगह निकलवा रहे हैं। हमने दसवां स्थल हमारे क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं है, जिसके लिए मैंने 300 गज जमीन नगर निगम की मैंने नदी किनारे निकाली है। उसके लिए मैंने लेकर के मेयर साहब के लिए मैंने पत्र वो प्रस्ताव बना करके दे रखा है, उन्होंने 28,95,000 रुपया उसके लिए स्वीकृत कर दिया है। और उसके बावजूद भी अब उस फाइल बन गई है, टेंडर पर पहुंची हुई है और मुझे सब उम्मीद है कि वो कार्य भी पूरा हो जाएगा। और जगह जहाँ पर शिक्षा का तो अभाव ऐसा है कि देखिए यहाँ सड़क पर बच्चों को भेजना बड़ा मुश्किल खीर है, कि या तो गार्जियन साथ में जाएं वहाँ पर छोड़ें,
शिक्षा की व्यवस्था के लिए प्रयासरत हैं कि कहीं जगह और मिल जाए तो एक स्कूल बनवाएं ताकि गरीब बच्चों का उद्धार हो सके। चिकित्सा और स्वास्थ्य की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? चिकित्सा स्वास्थ्य के लिए केवल जागृति नगर में तो एक नगर निगम की तरफ से एक अस्पताल का संचालन होता है, हो रहा है, और बाकी जो है कि अगर बीमार पड़ते हैं तो मोहल्ले के डॉक्टर जो हैं उनसे ये है या भैया जैसे जो जिसकी स्थिति है उस हिसाब से वो करवाता है। राठौर साहब, पहली बार आप पार्षद बने, पहली बार में 60-65% विकास कार्य होने के बावजूद अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगली बार के लिए आपकी क्या योजनाएं हैं? योजना मेरी ये है, मैं आपको सत्य बात बताऊं, मैं वैसे चुनाव लड़ने के उन मूड में नहीं हूं, क्योंकि इसमें बड़ी भ्रष्टाचार का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उसको अगर आप ये समझें कि जहाँ कोई पैसा फेंको तमाशा देखो, मकान जो मिले हैं प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत उनसे समझ लो किसी से 25,000 किसी से कितने पैसे ले लिए, मगर मैंने जो भी बनवाए एक नए पैसा भी नहीं देने दिया। आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल की मैं तो कहता हूँ दिन प्रतिदिन तरक्की हो, आप जैसे लोग अगर हो जाएं तो यहाँ पर कम से कम जनता का कल्याण हो सकता है।